ये वेजिटेबल सूप आप देखिए, इसे अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे, ये इतना टेस्टी बना है। हे इट्स अक्षय, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ किचन फ्लेम्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये मिक्स वेजिटेबल सूप की रेसिपी। सर्दियों का मौसम है और ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप मिल जाए तो क्या ही बात है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं जिससे आपका वेजिटेबल सूप बनेगा एकदम परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हम यहाँ जो सब्जियाँ यूज़ करने वाले हैं उसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास है 2 बड़े चम्मच फ्रेंच बीन्स के, 2 से 3 बड़े चम्मच हरी मटर के, 2 बड़े चम्मच गाजर, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न के और 2 बड़े चम्मच पत्ता गोभी के। इसी के साथ मेरे पास यहाँ हैं थोड़े हरे प्याज जिसका वाइट और ग्रीन वाला पार्ट मैंने अलग अलग चॉप कर लिया है। गाइस, सारी सब्जियों को आपने बारीक काटना है तभी वो सूप में अच्छी लगेंगी। इन वेजिटेबल्स के अलावा आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल इस सूप में कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगा 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप यहाँ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी सूप में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हम 10 से 15 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे ऑन अ मीडियम टू हाई फ्लेम। अब हम इसमें डालेंगे हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट और इसे भी 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे ऑन अ मीडियम टू हाई फ्लेम। हमें इन प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना कि इनका कच्चापन चला जाए। प्याज भी हमारे थोड़े ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब हम इसमें एक एक करके वेजिटेबल्स डालेंगे। तो हरी मटर और स्वीट कॉर्न को छोड़ के हम इस वक्त इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। मैं एक बार फिर आपसे यहाँ बोलूँगा कि आप यहाँ अपने मनपसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अब हाई फ्लेम पे हमें इन वेजिटेबल्स को टॉस करना है। ध्यान रखिएगा कि आप इन वेजिटेबल्स को ओवर कुक ना करें, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना कि इनमें एक क्रंच बना रहे। तो 2 से 3 मिनट हम इन्हें सॉटे करेंगे ऑन अ मीडियम टू हाई फ्लेम। 2 से 3 मिनट वेजिटेबल्स को मीडियम टू हाई फ्लेम पे सॉटे करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मटर और स्वीट कॉर्न। इसी के साथ इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे और सॉटे करेंगे 1 मिनट के लिए। हल्का सॉटे करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 4 कप पानी। इसे हल्का सा मिलाएंगे और ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ऑन अ मीडियम फ्लेम। गाइस, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसका अब हम ढक्कन हटाएंगे। यहां मेरे पास है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक स्लरी बना लेंगे। अब धीरे धीरे करके इस स्लरी को हम अपने सूप में डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। आपको अगर थोड़ा पतला सूप पसंद है तो आप इसे कम डालें, और अगर आपको गाढ़ा थिक सूप पसंद है तो इस स्लरी को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस स्लरी को आप डालें और इसे मिक्स करते रहें। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा सूप पसंद है, तो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखी है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1/2 नींबू का रस, थोड़े हरे प्याज, और यहाँ मेरे पास है धनिया की डंठल जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसे आप अपने सूप में ज़रूर डालिएगा, इसमें धनिया से ज़्यादा फ्लेवर होता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और आपका मिक्स वेजिटेबल सूप बनके एकदम तैयार है। इस वक्त आप यहाँ नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पाइस लेवल बढ़ाना है तो आप यहाँ रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब आइए इसे डिश आउट करते हैं।